आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वन पीस टॉयलेट सीट के पॉइंट कैसे बनाए जाते हैं। जैसा कि आप यहां पर सामने देखते होंगे, ये वन पीस सीट के यहां पर पॉइंट बने हुए हैं। यहां पर हमारे चार टॉयलेट आने वाले हैं। टेल लगा करके यहां पर बीच में पार्टीशन लग जाएगा। एक टॉयलेट हमारा ये रहा, इसमें यहां पर पार्टीशन गिलास का पार्टीशन बाद में लग जाएगा यहां पर, या उसका पीवीसी का पार्टीशन जो भी है वो पार्टीशन यहां पर लग जाएगा। एक यहां पर पार्टीशन आएगा, एक यहां पर और एक वहां पर और एक उसके उधर। तो यहां पर हमारे चार टॉयलेट बने हैं। तो इस वीडियो में हम डिसाइड करते हैं कि वन पीस सीट की फिटिंग कैसे की जाती है, इसके पॉइंट कितने इंच पर दिए जाते हैं। क्योंकि यहां पर हमारी बीच वाली पर्दी नहीं लगेगी, तो हमें इसके पॉइंट जेट का और हैंड स्प्रे का, इसके सारे पॉइंट हमने पीछे ही दिए हैं। और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं वन पीस वाली एक फिट सेंटर वाली सीट, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये पीछे से ये जो इसका यहाँ पर बिकाव लगेगी वो पानी गिरेगा, तो वो पानी भी नाली में हमारा जाएगा। और ये है हमारा टॉयलेट वाला पाइप जो सेफ्टी टैंक में गया है। एक फिट सेंटर वाली पॉइंट वाली सीट हमने यहाँ पर लगानी है। तो इसका पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसका पॉइंट 13.25 इंची रख दिया है, क्योंकि आधा 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 पौन इंची प्लास्टर भी आएगा और टाइल भी आएगी। तो हमारा यहाँ पर ये इसका एक फिट सेंटर बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने 13.25 इंची इसका पॉइंट का सेंटर रख दिया है। और यह है कि हमारा ये बेस्ट वाटर वाला जो यहाँ पर हमारी बिकाव लगेगी, वो जो पानी गिरेगा फ्लोर पर वो पानी यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर हमारी वन पीस टॉयलेट सीट लग जाएगी। और जो इन दोनों का जेट का और इसका ये सिस्टम का पॉइंट भरने के लिए जो हमने इसका सेंटर ये है, तो जो हमने इसका सेंटर इसमें जो गैप दिया है वो दिया है 28 इंची। आप चाहें तो 26 इंची, 28 बल्कि 2.5 फट तक लग सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखते होंगे, हमारा ये लगभग 28 इंची इसका सेंटर टू सेंटर पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। सेम ऐसे ही हमने इनके भी पॉइंट बना दिए हैं। इसका भी पॉइंट आप देख सकते हैं 13.25 इंची के लगभग ये आ रहा है पीछे से। ऐसे ये इसका भी गैप दोनों में 28 इंची है। सेम ऐसे ये है। यहाँ पर हमारी चारों में वन पीस टॉयलेट सीट लगने वाली है, एक फिट सेंटर वाली। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।